हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पिंक ग्लो चैनल को, साथ ही इस घंटे को दबाना मत भूलिए। ब्यूटी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुफ्त में पाने के लिए। होली का त्यौहार आने ही वाला है, ऐसे में एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि वो इस त्यौहार को कैसे मनाए। होली खुशियों और मस्ती से भरपूर त्यौहार है। लाजमी है कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाएं रंगों से सराबोर होना और एक दूसरे को रंग लगाना चाहेंगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि होली में रंगों की मस्ती का कोई गलत इफ़ेक्ट गर्भ में पल रहे बच्चे पर ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से स्वस्थ रहे। इसमें पहला है, प्रेग्नेंट महिलाओं का रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है कमज़ोर। अन्य इंसानों की तुलना में प्रेग्नेंट महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिस कारण उन्हें संक्रमण का खतरा अन्य महिलाओं से अधिक होता है, जिससे उन्हें बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद है, रासायनिक रंगों से दूर रहें। प्रेगनेंसी के दौरान रासायनिक रंगों से होली खेलने से प्रेग्नेंट महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर नकारात्मक असर पड़ता है। ऐसे में होली के मौके पर प्रेग्नेंट वुमेन को रासायनिक रंगों से दूर ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि आजकल बाजार में मिलने वाले ज़्यादातर रंगों में एसिड, माइका, ग्लास पाउडर, अल्कासिस, लीड, बेंजीन जैसे खतरनाक केमिकल का मिलावट रहता है। ये केमिकल तंत्रिका तंत्र, गुर्दे तथा जनन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर भी प्रेग्नेंट महिलाओं को रंगों से दूर रहने की सलाह देते हैं ताकि आपका स्वास्थ्य भी ना बिगड़े और होने वाला बच्चा भी सुरक्षित रहे। इसके बाद है, इन रंगों को इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और होली का भी आनंद लेना चाहती हैं तो हर्बल रंगों का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि नेचुरल रंग आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसके बाद है, बैठकर होली खेलें। होली खेलते वक्त ज़्यादा भागम भाग ना करें, बैठकर होली खेल सकती हैं, क्योंकि भींगे फर्श पर फिसलन का खतरा रहता है जो आपके शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आराम से होली खेलें, ज़्यादा भागम भाग ना करें। इसके बाद है, भांग से दूर रहें। होली के मौके पर दूध में भांग मिलाकर पीना आम बात है। भांग भले ही एक प्राकृतिक चीज़ है, मगर भांग का नशा बच्चे के जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए भांग के सेवन से प्रेग्नेंट महिलाओं को दूर रहना चाहिए। इसके जगह शुद्ध दूध का सेवन करना चाहिए। इसके बाद है, ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से बचें। प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में मिठाइयों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मिठाइयाँ या तो बिल्कुल ना खाएं या फिर बहुत कम मात्रा में खाएं। इसके बाद है, घर से बाहर ना निकलें। होली के दौरान अगर आप घर से बाहर जाती हैं तो ध्यान रखें कि घरों की छतों से लोग रंग फेंकते हैं जो आपके लिए हानिकारक होता है, इसलिए प्रेग्नेंट महिला घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है। और होली में होलिका दहन के समय उस स्थान पर ना जाएं, क्योंकि इस दौरान उठने वाला धुआं भी घातक हो सकता है। इसके बाद है, अच्छे से खुद को साफ करें। अगर आपके चेहरे या हाथ में रंग लगे हुए हैं तो उसे अच्छे से साफ कर लें। रंग लगे हुए हाथों से कुछ भी ना खाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान होली के मौके पर इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान नहीं रखती हैं तो आपकी लापरवाही के कारण बच्चे का वजन कम होना, समय पूर्व प्रसव या गर्भपात का खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और पिंक ग्लो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।